जोहार आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड में जो मैं आप सभी का स्वागत है। तो आज ये मूल का लेक्चर 7 रहेगा। इसमें हम लोग परसेंटेज प्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज यील्ड में काम किया था, तो परसेंटेज यील्ड में क्या था उसको हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, क्या था उसको बता देते, ठीक है ना। परसेंटेज यील्ड में क्या था कि उसमें एक्स बाई वाई टर्म था, दो टर्म था, ठीक है ना। उसमें क्या था, एक्स जो था एक्चुअल वैल्यू था और वाई जो था कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हम लोग कैलकुलेट करके रहते थे, ठीक है ना। उसमें क्या था ना कि एक्चुअल वैल्यू जो था वो हम लोगों का दिया हुआ रहता था, ठीक है ना। और हम लोग जो कैलकुलेटेड वैल्यू लाते थे, और जो जानते थे कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो आता था हम लोगों का, कैलकुलेटेड जो वैल्यू आता था वो क्या आता था हम लोगों का, ज़्यादा आता था, ठीक है। उसी के रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आता था, ज़्यादा आता था। तो कैलकुलेट वैल्यू क्यों ज़्यादा आता था, क्योंकि जानते थे कि जो हम लोग ये यील्ड जो देते थे, जो जो यील्ड होता था, जो एक्चुअल वैल्यू होता था, तो उसमें बहुत सारा गंदगी, बहुत सारी इम्प्योरिटी आता था, उसके साथ बहुत सारे रिएक्शन होते थे, जिसके कारण से जो जो एक्चुअल वैल्यू होता था वो उसमें जो उसका जो अमाउंट है वो क्या होता था, कम होता था। और जो कैलकुलेट करते थे तो उसमें सीधा सीधी हम लोग प्योर कंपाउंड मिलता था, प्योर चीज़ बनाते थे, इसके कारण से उसमें ज़्यादा वैल्यू आता था, ठीक है। तो इसलिए क्या होता था कि वाई का वैल्यू जो होता था हम लोग जो प्योर प्योर ले रहे, इसलिए वो ज़्यादा आ जाता था। और एक्स कम्पेयर टू ये वो क्या होता था, मैंने कि वो पूरी तरह से क्या होता, उसमें गंदगी रहता था, इसके कारण से वो कम आता था उसका वैल्यू। इसी तरह का सेम कटेंट इधर हम लोग प्योरिटी में लगाते हैं, ठीक है। यील्ड के लिए हम लोग कितना ज़्यादा मिल रहा है ये तो देख रहे थे, अब हम लोग प्योरिटी लगाएंगे। प्योरिटी में हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोग कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को हम लोग प्योर लेते हैं, उससे कितना ज़्यादा हम लोगों को मिलता है कंपाउंड। इसमें हम लोग क्वेश्चन है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी में टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है और टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल होता है। अब नीचे क्या दिया गया है, सैंपल। सैंपल मतलब जो हम लोग को दिया रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, दिया हुआ रहेगा। तो ये जो होता है इसका वैल्यू जो होता है, सैंपल जो होता है वो ज़्यादा देता है एज कम्पेयर टू हम लोगों का जो प्योर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि सैंपल में जो होता है कुछ कुछ गंदगी रहता है, ठीक है ना। तो गंदगी को भी हम लोग उसके साथ कैलकुलेट कर देते हैं, इसलिए 20 ग्राम ऑफ MgCO3 बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ उसी से, तो सैंपल में क्या होता है उसके साथ गंदगी रहता है, हम लोग उसको भी कैलकुलेट करके यहाँ रख लेते हैं, ठीक है ना। MgCO3 के जैसे हो सकता है कुछ कुछ गंदगी हो सकता है, या उसके उसमें कुछ कुछ मतलब क्रिस्टल में कुछ फंसा हुआ रहे, या ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें होती है। इसके कारण से जो होता है ना कि सैंपल का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा आता है, और जो प्योर प्रोडक्ट होता है उसमें जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो होता है कि हम लोग सीधा से बराबर बराबर मारता है MgCO3 और MgCO3 हिट करेंगे उससे मिलेगा, तो जो MgO और CO2 मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि पूरी तरह से जो MgO जो मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, MgCO3 से मिल रहा है। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये प्योर प्योर मिल रहा है, ठीक है ना। प्योर मतलब समझ रहे ना, प्योर। तो इससे हमें क्या मिलता है, प्योर मिल पाता है। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है हम लोगों को क्या मिलता है, प्योर मिल जाता है, प्योर मिल जाता है, जिसके कारण से ये हमको कम मिलता है। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं, नहीं तो मतलब तो यदि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाई टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल, जो सैंपल का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे सैंपल यहाँ दिया हुआ उसी तरह से, तो ठीक है। तो और हम लोगों को जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है प्योर प्रोडक्ट हमको निकालना पड़ता है। इसके लिए हम लोग POSC लगा सकते हैं, लिमिटिंग रेंज इनका कंसर्न है, कोई भी लगा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया हो उसके अनुसार देखिएगा, 20 ग्राम ऑफ MgCO3 है, MgCO3 है, सैंपल डीकम्पोज और हीटिंग टू गिव CO2 एंड 8 ग्राम MgO, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी। देखिए यहाँ पे 8 ग्राम सिर्फ क्या दिया हुआ है, MgO दिया हुआ है, तो हम लोग MgO को लेकर कहते हैं, क्योंकि देखिए अब POSC लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैग्नीशियम है उसमें लगाते हैं 1 मोल ऑफ MgCO3 बराबर है 1 मोल ऑफ MgO, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अमाउंट मेरे वेट से मतलब होता है, ठीक है ना, वेट से, ठीक है ना। तो उसी वेट से निकालेंगे, तो 1 मोल, तो 1 इंटू वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो वेट कितना है MgCO3 का, मोलिकुलर वेट कितना आता है MgCO3 का, तो निकालना पड़ेगा MgCO3। तो मैग्नीशियम का हो जाता है 24 और कार्बन का हो जाता है 12 और 16 तिया 48, तो 8 2 10, 10 और 4 14, 14 4 5 6 7 8 84 ग्राम, ठीक है, 84 ग्राम। और 1 मोल ऑफ MgO, तो इसमें वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट देखिए यहाँ पे दिया हुआ सैंपल का, 8 बाय मोलिकुलर वेट कितना होता है ना MgO का, तो 24 और 16 कितना हो जाता है, 6 10, तो 3 4 40, ठीक है ना। तो 8 5 जा 40 और वेट कितना आ गया, 84 बाई
तो ठीक है, ये देखिए प्योर का आ गया मेरा, तो बस परसेंटेज प्योरिटी लगा देना, परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ प्योर प्रोडक्ट कितना 84/5, और गिवन कितना था हम लोग को, गिवन था हम लोग को 20 ग्राम, तो बस लगा दीजिए और इनटू क्या कीजिए 100, तो 84/5 2 5 नीचे चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 2 100 100 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 काटिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 84%, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन था, आपको अगर लिमिटेड एजेंट होगा तो उससे भी बना सकते हैं, या POSC रहेगा तो उससे बना सकेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मैं और बताऊंगा, ठीक है, एन फैक्टर के रिलेटेड, मॉलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट के रिलेटेड, तो इसलिए मैंने इधर परसेंटेज प्योरिटी ख़त्म कर दिया, ठीक है, थैंक यू।